तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज़्यादा कि अगर आपको किसी फ्रेंचाइजी या किसी कंसल्टेंसी से कॉल आता है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, तो क्या तब भी आप थर्ड पार्टी की पेरोल पर रहते हो अगर कंसल्टेंसी से या फ्रेंचाइजी से कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू हुआ, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जितनी भी 95% केसेस में उन्होंने अपनी हायरिंग किसी और को दे रखी होती है। मान लो कोई ABC कंपनी है, मल्टीनेशनल कोई ABC कंपनी है और उसने अपनी हायरिंग दे रखी है XYZ कंपनी को, ठीक है। अब जो ABC कंपनी है, अब वहाँ पे उनके दो रूल फिल्टर होते हैं। पहला कि उस फ्रेंचाइजी से बंदा आएगा उसी फ्रेंचाइजी से ही, XYZ से ही। लेकिन होता क्या है, कई बार कंपनी जो बंदा वो देती हैं वो कंपनी का ऑन रोल पे रख लेती हैं, और कई प्रोफाइल में होता है कि जो XYZ कंपनी है वो उनके ऑन रोल पे रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपका पैकेज कितना है, आप किस पैकेज के लेवल पे जा रहे हो। जी हाँ, इसमें पैकेज का भी डिपेंडेंसी होती है कई बार। तब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आपका 6-7-8 लाख हो गया तो आपको कंपनी का ऑन रोल मिल जाएगा, उस केस में भी आपको थर्ड पार्टी मिल जाता है कभी कभी। बट जैसे ही आप 5 लाख या 5 लाख के प्लस जाते हो तो कंपनीज ज़्यादातर सोचती हैं कि बंदे को ऑन रोल पर रखना है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज वो हो जाता है। अगर आप 3 लाख, 4 लाख या अंडर 5 लाख के पैकेज पर हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो थर्ड पार्टी होता ना वो उनके ऑन रोल पर रख के और काम अपने लिए कराते हैं या काम अपने किसी क्लाइंट के लिए कराते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो मैं दोस्त आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फ्रेंचाइजी से कॉल आता है तो आपको थर्ड पार्टी ही मिलेगा, ऑन रोल भी मिल सकता है और मिल जाता है। वो जब भी कभी कॉल आए पहले उससे पूछ लो, सारा कुछ डिस्कस कर लो और उससे ये ज़रूर पूछ लो कि मेरी पेरोल कंपनी कौन सी होगी या जो मेरी सैलरी आएगी वो कंपनी मेरी कौन सी होगी। तो ये आप इंटरव्यू के पहले ज़रूर कंफर्म कर लो। और जो बाकी नॉर्मल चीज़ें होती हैं किसी कंपनी में, अगर आप मूव करते हो, डेज ऑफ वर्किंग एंड शिफ्ट टाइमिंग, अगर नाइट शिफ्ट है तो नाइट शिफ्ट में लाइक कैब वगैरह फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, अगर नाइट शिफ्ट कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं इवनिंग डे शिफ्ट के, तो मतलब ये कुछ चीज़ें होती हैं। और उसमें फील्ड वर्क है या ऑफिस वर्क है, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं जो एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आप किसी कंपनी में जाने से पहले आप पूछते हो। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक ना, इन्हें नोट डाउन करके रखो और आपको पूछने ही चाहिए किसी कंपनी में जाने से पहले। एक बार अगर आप कंपनी में एंटर कर गए तो समझ लो कंपनी अपने हिसाब से काम कराती है, फिर वो आपका नहीं सुनने वाली। फिर वो नहीं सुनती है कि सर मैं नाइट में नहीं कर पाऊँगा, मैं डे में नहीं कर पाऊँगा। फिर आपके पास सिर्फ दो ही तरीके होते हैं तब, या तो आप उस कंपनी को छोड़ दो या तो फिर जो शिफ्ट है और जैसे करा रहे हैं वैसे काम कर लो, अगर जॉब आपको कहीं और नहीं मिल रही है तो। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, बी सेफ।